इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। इस अपडेट की बात करें तो फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में राहत जारी है। जी हां, साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। हालांकि मंगलवार को सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों के भाव में नरमी देखते हुए डीजल और जेट ईंधन पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 17,000 रुपए प्रति टन को बढ़ाकर 17,750 रुपए प्रति टन कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों के मुकाबले ईंधन की कीमत ज्यादा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 96 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल में 0.18 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में 0.16 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में आज गिरावट आई है। इस लिस्ट में अलीराजपुर, अशोकनगर, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, राजगढ़, सतना, सिवनी, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल है। अनूपपुर, बालाघाट, रीवा, शहडोल, जोधपुर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए पर पहुंच चुकी है। ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।